प्रिंसेस बन के इतनी खुश हो रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये प्रिंसेस ड्रेस पहन के पूरे मार्केट में घूमू। फिर पता नहीं कब मुझे ऐसे प्रिंसेस ड्रेस पहनने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी इस सपनों की दुनिया से बाहर भी तो आना पड़ेगा। ये प्रिंसेस से फिर से नॉर्मल दिव्या बनना पड़ेगा। आई विल मिस यू प्रिंसेस। तो हम लोग आ गए कस्तूरी ब्यूटी पार्लर मैम के पास में। दो रीजन है, एक तो है जानवी दीदी को यहाँ पे छोड़ने का, और दूसरा रीजन है मेरे को मेरा ड्रेस चेंज करना है, क्योंकि यार कितने टाइम से पहन रखा है ना मैंने, अभी चेंज कर लेते हैं। और मुझे है ना चेंज करके कृष्णा के साथ में उसके स्कूल के जो भी बुक नोटबुक है ना वो भी लेने के लिए जाना है। कैसे दिखती है अभी? देखो मैम जो है वो अपना पार्लर है ना रिनोवेट करवा रही है, और कितना मस्त लग रहा है। चलो जानवी दी, बाय बाय, थैंक यू सो मच इतना अच्छा रेडी करके देने के लिए। अभी देखो ये ड्रेस इसमें फिट कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बाय बाय दी, मिलेंगे जल्दी, बाय बाय। तो आज है ना कृष्णा के साथ स्कूल में क्या हुआ ना, उसके पास बुक्स नहीं थे, तो है ना मैडम ने उसको डांटा होगा। तो और वैसे भी बुक सेंटर पे अभी इतनी भीड़ है कि क्या बताओ, अभी स्कूल वगैरह ओपन हो गया तो इसलिए बहुत भीड़ रहती है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा रुक के बुक्स ले लेते हैं। तो अभी मैंने है ना कृष्णा को बुलाया बुक सेंटर पे, फिर है ना हम उसको बुक्स लेके देंगे। तो इतना शूट किया है तो यार भूख लगी है, इसलिए अभी मैं आई हूँ गोली वड़ा पाव, यहाँ से है ना वड़ा पाव लूंगी। अंकल दोन क्रिस्पी वड़ा पाव आणि दोन मका पालक। आ गया तू, क्या हुआ? बुक्स का नाम सुनते ही कृष्णा इतना खुश हो गया कि उसके चेहरे पे वो खुशी बहुत साफ दिख रही थी। चल बच्चे, चल बुक्स लेने के लिए जाएंगे अपन, क्या बोलता फिर तू? ये तो कर, हाई फाई तो कर, सॉरी लग गया। चल मामा। तो मम्मी पापा कार में यही रुकेंगे, हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से। इकड़ना नहीं मामा, समोरन चल। बच्चे अब खुश हो जाना, देखो बुक्स लेके दे रहे ना, कल से देखो डांट नहीं पड़ेगी स्कूल में। आज डांट पड़ी थी कितनी? बहुत ज्यादा। ये देखो ये रहा बुक सेंटर, चल जल्दी। बच्चे वो बुक ला रहे, तब तक तू इधर आ, देखते को कंपास बॉटल क्या चाहिए, देख ले, देख यहाँ पे सब है, क्या चाहिए इधर आ, कंपास देखेंगे हम। पसंद आया कौन सा? ये एवेंजर। हाँ। अरे इसके ये ऊपर का ढक्कन टूटे वाला है, दूसरा देख। हाँ दूसरा कौन सा अच्छा लग रहा है यहाँ पे? देखना बहुत सारे यहाँ पे, कौन सा अच्छा लग रहा? एवेंजर वाला ही लगा मेरे को। अरे वो ढक्कन टूटा हुआ है, रुक अपन पूछते हैं उनसे। पासवर्ड के कंपास लेके आ रहे? क्या बच्चे नहीं क्या स्कूल में पासवर्ड के कंपास लेके आ रहे? अच्छा पासवर्ड वाला, तो तेको भी वही चाहिए क्या पासवर्ड वाला? मतलब ऐसे ही इसमें ये जो ऊपर का टूटा हुआ है ना यही पसंद आ रहा है? ये डैमेज है, इसमें दूसरा अलग वाला आई वाला दिखाऊंगी। हाँ दिखा दो। और क्या पसंद आ रहा तेको? वो कंपास लाके दे रहे, वो देख ले। हाँ ठीक है। क्या ये बॉटल चाहिए? ये दिन भर पानी को ठंडे ही रखते हैं। बच्चे देख ऐसे इसमें है ये। ऐसे? हाँ ये कार वाले इसमें, बस वाले इसमें है ये। ठीक है क्या? देना दूसरा तो देखने दे। हाँ ठीक है सारे देख ले, जो अच्छा लगा वो बता। यार थोड़ा सा लग रहा मेरे को अच्छा। कौन सा? ये वाला इधर देखिए, खोल पन्नी। क्या है? इधर देखिए देख। फाइनल यही पसंद आया ना? हाँ। लेने का है? हाँ। ठीक है दे दो। चल चल चल, और क्या हो गया? ये बटन से ओपन होने वाला कंपोस्ट बॉक्स किस किस को पसंद आया?
है कितने सारे बुक्स है, ये पढ़ाई करनी पड़ेगी अभी। हाँ सारे चाहिए वो, अब ज्यादा पढ़ना पड़ेगा देखो, समझा? बच्चे सुन रहा क्या, 4000 की बुक्स लेके दी आपने को, ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपके बहुत बड़े फैन है। थैंक यू आंटी। मैंने पूछा है। क्या नाम है आपका? देवांश। हाय देवांश, कौन से स्टैंडर्ड में हो? मैं ना तुमको रोज फोन में देखता। अच्छा रोज फोन में देखता। थैंक यू। हाय क्या नाम है आपका? शर्वरी। हाय शर्वरी। दीदी तो शारदा मंदिर ला आली, तुम्ही खिडकी तून बघतच होते तुला। अच्छा तू पण तिथेच आहे का? हो हो। थैंक यू। मला ते पण आठवत। चलो आगे, हम हमारी गाड़ी के पास में, यहाँ पे पापा ने गाड़ी पार्क की थी। चलो चल बच्चे, तू भी चल रहा क्या? हाँ। चल कंपास भी लाया। लाया क्या? चलो ठीक है, आओ बैठो। आ जाओ बैठ। क्या ये? बहुत ज्यादा है, 4000 के पूरे। 4000? हाँ 4000। महंगे बुक्स, बहुत महंगे, और भीड़ तो इतनी थी कि क्या बताऊँ। 4000 का हो गया टोटल सब। बच्चा अभी देखो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। इतनी सारी किताबें लाई है हमने, देख। आ गई मैं घर पे। चलो आज का जो दिन है ना वो वेस्ट नहीं गया, सारे काम हो गए, मेरा शूट भी हो गया, और कृष्णा के जो बुक लाने थे हमें वो भी हमने ला लिए। ए मामा सॉरी ना। ए मामा मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ए मामा रोटी बनने को टाइम है तो मैंने थोड़ा सा आटा खा लिया, तो उसमें इतनी चिढ़ने की क्या बात है? ओए तेरी आके भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में यू कीप ड्राइविंग मी सो क्रेजी, दिल में तू रहती है ओ मम्मी। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। ए मामा चलो और थोड़ा आटा निकालो खाने के लिए। तो आज मेरा है ना हक्का नूडल्स और ड्राई मंचूरियन खाने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए ना मैंने ऑर्डर कर दिया। जैसे ही वो आता है एकदम मस्त खाएंगे हम, क्योंकि क्या है यार, कभी कभी है ना घर का खाना खाने का मन नहीं करता है, कुछ है ना बाहर का खाने का मन करता है, इसीलिए आज तो हम मस्त पार्टी करेंगे ये। पता नहीं यार कब आएंगे मेरे मंचूरियन, वेट ही नहीं हो रहा है, बहुत भूख लगी है। चलो तो फाइनली मेरा पार्सल जो है वो आ गया है। चार्जर कहीं के
फेंक दिया मैंने वो चार्जर बेड के पीछे, अभी घूमते बैठना उसको चार्जर उसकी ऐसी तैसी। तू मैं सीधा बंदा नहीं है, तू समझा क्या? तू सीधा बंदा नहीं है पापा। अगर मैं सीधा बंदा नहीं है तो मैं क्या उल्टा बंदा है? क्या उल्टा? तू सीधा बंदा नहीं है, तू है ना गुंडा है। गुंडा तू ये घर का है ना गुंडा है। तू खुद भी सीधे नहीं रहता और दूसरों को भी सीधे नहीं रहने देता। बहुत तकलीफ करके रखे आ रहा है तुम्हें। टाइम पे सोता नहीं कुछ नहीं, जब देखो तब उठता। चलो ठीक है अभी तुम्हारा ही दिन है, बोल लो अभी क्या है। हैंडसम बॉय। वाह पापा वाह, ना बहुत मजा आ रहा है इसे। पापा ऐसे पकड़ के रखो मुझे। गुंडा है तू गुंडा। अच्छा मैं गुंडा है? अभी तुमने मेरी गुंडी देखी क्या है पापा? अभी देखो अभी तुम थोड़ी देर के मैं क्या करता अभी। सुला तो पापा उसको, बहुत परेशान। हां है उठने का, उठ जादू सोचा पापा। ये सो जाने वाली जो जादू है ना, ये छोटे बच्चों को दिखाना, मुझे नहीं। सो जा सो जा। अगर मुझे गुंडा कहा है तो मुझे थोड़ी बहुत मेरी गुंडाई तो दिखाना पड़ेगी ना। अभी मुझे ना ये ड्रॉवर के अंदर जाके ना पूरा ये सामान है बाहर निकाल के फेंकने का है। तो ये देख दीदी, मैंने ना तेरा ये सारा सामान निकाल के मैंने बाहर फेंक दिया। अभी चल अभी इसके साफ सफाई की तू तैयारी कर ले, अभी बहुत काम करने का है तेरे को अभी। चलो मैं तो अभी जा रहा बाहर। तेरी ये दीवार कहाँ से आ गई बीच में इसकी ऐसी की तैसी? ये पूरा है ना कबाड़ है ना, मुझे निकाल के फेंकना पड़ेगा ना, तभी है ना मजा आएगा थोड़ा सा। चलना दीदी, तू क्या मोबाइल लेके बैठा है? जाना उठने का तू, अभी तक वो साफ सफाई करने की है ना। वो जब तू साफ सफाई करेंगे तभी तो मैं उसको सब निकाल के फिर से फेंकूंगा ना मैं। तो आ जाना, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। अभी आप सोच रहे होगे कि इम्पोर्टेंट काम क्या है, चलो मैं आपको बताती हूँ। इतना इम्पोर्टेंट काम है कि क्या बताऊँ। ये जो कृष्णा की इतने सारे बुक्स है ना, इसको मुझे कवर लगाना है और स्टिकर लगा के नाम लिखना है। ये तू खुद नहीं कर सकता क्या? ये तेरा काम है ना। चलो कैंची लो और काम पे लग जाओ। तो बताओ किस किस को मेरी तरह बुक्स को कवर्स एंड स्टिकर्स लगाना अच्छा लगता है? मुझे तो बुक्स को रेडी करना बहुत अच्छा लगता है। शर्म वगैरह कुछ है आप में? इधर मामा और मैं तेरे बुक के कवर लगा रहे और तू गेम खेल रहा मस्त। तो मामा ने और मैंने मिलके है ना कृष्णा की बुक्स और नोटबुक्स पे कवर्स और स्टिकर्स जो भी है वो लगा दिए। और मुझे ना ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यार देखो मैंने ना कभी इतनी बड़ी स्कूल नहीं देखी है और ना ही मैंने कभी अपनी स्कूल लाइफ देखी है। तो मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। सो मेरे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको ये बात पता नहीं है कि मुझे अपनी स्कूल छोड़नी पड़ी थी। अभी वो किस रीज़न से छोड़नी पड़ी थी ये वो, उसके है ना मैं पूरी एक स्टोरी बनाने वाली हूँ। मतलब जैसे होता है ना कि शॉर्ट स्टोरी होती है कि कैसे हुआ क्या क्या हुआ, वो एकदम फिल्म टाइप शूट करने वाली हूँ। जल्दी शूट होगा और जल्दी वो स्कूल स्टोरी आप सब लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं जल्दी शेयर करूँ, लेकिन यार शूटिंग वगैरह पे टाइम लग जाता है ना इसीलिए। और वो मुझे ना एकदम प्रॉपर शूट करना है। सो प्लीज़ अभी आपने इतने दिनों तक वेट किया है, कुछ दिन और वेट कर लो। सो यार देखो, जब तक मैं बताऊँगी नहीं कि मैंने अपने स्कूल में क्या क्या झेला है, कितना टॉर्चर झेला है, तब तक आपको कैसे पता चलेगा? और यहाँ तक पहुँचने के लिए ना मैंने बहुत स्ट्रगल किया और मेरे मम्मी पापा ने भी। अब मुझे 11th में एडमिशन लेने की तैयारी भी शुरू करनी पड़ेगी, एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन लेना। लेट्स सी। तो कुछ ऐसा रहा हमारा फैमिली संडे, फुल डे घर के अंदर रहना, बिल्कुल कहीं बाहर नहीं जाना और फैमिली के साथ में पूरा दिन बिताना। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।